नहीं नहीं आप लोगों में आज एक एक्टिविटी के माध्यम से जो बताने जा रहा हूँ कि हॉट एयर कैसे लाइटर होता है नॉर्मल एयर की तुलना में। तो इसमें रिक्वायर्ड जो आइटम्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं कि दो कप लगा दिए हैं और इसके नीचे जो हम लोग अग्नि को प्रोवाइड किया, आग जल लगाएंगे। आग लगाएंगे तो आग लगते ही इसके अंदर जो हवा भरा हुआ है कि ये हॉट एयर जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो नॉर्मल एयर की तुलना में कम होता है। वही यही यही इसमें भी लागू होता है पानी और तेल भी। तेल भी जो पानी में आसानी से तैरने लगता है क्योंकि उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है। तो समझ गए? एक बार क्लैपिंग कर दो।